नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर, इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे के बारे में, शॉर्ट ऐसे के बारे में, जिसका टॉपिक है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी इसका टॉपिक है जो आने वाले आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि आने वाले समय में SSC MTS TR2 का एग्जाम है, इसके अलावा भी और एग्जाम होंगे जिसमें ऐसे पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जा सकता है। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए, ऐसे या निबंध पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है। द टर्म ग्रीन सिटी रिफर्स टू ए सिटी ऑफ ग्रीनरी दैट ऑफ ट्रीज प्लांट्स एटसेट्रा। तो ग्रीन सिटी जो टर्म है रिफर करता है एक सिटी को ऑफ ग्रीनरी, जो हरियाली से युक्त है, जिसमें पेड़ हैं, पौधे हैं आदि हैं, पेड़ पौधे आदि हैं, ऐसे शहर को रिफ्लेक्ट करता है, रिफर करता है। वाइल द टर्म क्लीन सिटी रिफर्स टू ए सिटी डैट इज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। जबकि क्लीन सिटी ऐसे शहर को रिफर करता है जो कि फ्री ऑफ पॉल्यूशन, जो कि प्रदूषण से मुक्त है और पर्यावरण के क्षरण से मुक्त है, प्रदूषण और पर्यावरण के क्षरण से मुक्त है। बोथ डीज टर्म्स आर रिलेटिव इन नेचर। ये दोनों टर्म जो हैं रिलेटिव हैं प्रकृति के रिलेटिव हैं। वी ऑल वांट आवर सराउंडिंग्स टू बी क्लीन एंड ग्रीन, बट इट गेट्स नोटिस्ड डैट मोस्ट ऑफ अस डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन द क्लीनलीनेस ऑफ आवर सिटीज। हम सभी चाहते हैं कि हमारा आसपास का परिवेश जो है वो स्वच्छ रहे, हरा भरा रहे, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि मोस्ट ऑफ अस हम में से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हमारे शहर की स्वच्छता में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हमारे शहर की स्वच्छता में इन्वॉल्व होने का मतलब, उसमें समाहित होने का मतलब ये नहीं है कि हम झाड़ू लेकर शहर को साफ करने के लिए निकल जाएँ, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ इतना कीजिए कि सड़क पर कूड़ा मत फेंकिए, कूड़ा जब फेंकिए तो सही जगह पर फेंकिए, आपकी सेवा हो जाएगी, इतना काफ़ी है। इतना ही आप इन्वॉल्व हो जाइए, इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। टुडे सिटीज हैव बिकम कंक्रीट जंगल्स। आज शहर जो हैं कंक्रीट जंगल बन गए हैं। कंक्रीट जंगल से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शहरों को बसाया गया है जंगल काटे गए हैं, पेड़ काटे गए हैं, उनको साफ करके बिल्डिंग बना दी गई हैं। बिल्डिंग जब बनाई गई हैं तो वो कंक्रीट जंगल के तौर पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनमें ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिलती है, वो सिचुएशन आ गई है। तो कंक्रीट जंगल सिटी जो है कंक्रीट जंगल बन गई हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। द ग्रीन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ग्रे। हरा जो है ग्रे के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, हरा ग्रे यानी कि धूसर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि शहर में पेड़ काटकर बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। इट्स नॉट जस्ट द लुक, या सिर्फ देखने के लिए नहीं है। देखने के लिए कहने का मतलब यह है कि बिल्डिंग बना दी गई हैं, कलर बदल गया है शहर का, हरे से हरा कलर धूसर में परिवर्तित हो गया है, यह सिर्फ देखने के लिए, इसके दुष्परिणाम भी हैं। दुष्परिणाम में सबसे बड़ा तो यही है कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती है इससे, ये ऑक्सीजन नहीं देगा। हम चाहे जितनी उसमें सफाई कर लें शहर में, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा हमको। इट्स नॉट जस्ट द लुक बट द एटमॉस्फेयर ऑफ सच सिटीज, बल्कि ऐसे शहरों का पर्यावरण जो है दैट इज फुल ऑफ डस्ट, धूल से पूरी तरीके से भरा हुआ है, पॉल्यूशन से पूरा भरा हुआ है, नॉइज से भरा हुआ है, एंड इंसेसेंटली रशिंग क्राउड्स और पूरी तरीके से भीड़ से भरा हुआ है। डैट गिव ए मोनोटोनस इम्प्रेशन अबाउट देम, जो उसके लिए बहुत ही खराब छवि प्रदर्शित करता है। वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट टूवार्ड्स मेकिंग सिटीज क्लीन एंड ग्रीन। हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किसके लिए? अपने शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज एज मच इन नंबर एज वी कैन। हमें
पेड़ को इतनी अधिक संख्या में जितनी हम कर सकते हैं प्लांट करना चाहिए, लगाने चाहिए पेड़। वी शुडंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स, हमें कचरा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा ना करें कि हम छत पर जाएं और बाल्टी उड़ेल दें, किसी के ऊपर भी गिर जाए कचरा, या सड़क पर जाके पूरी बाल्टी सड़क पर रखाएं। कौन सी शहर अपनी है, सड़क अपनी है। ऑन द रोड्स बट इन प्रॉपर डस्टबिन्स, बल्कि एक उचित डस्टबिन में हमको कूड़ा डालना चाहिए। वी शुड अवेयर पीपल ऑफ द क्लीनिनेस ऑफ द सिटी, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए शहर की स्वच्छता के बारे में। बाई दीज वेज वी कैन गिव अवर पार्ट ऑफ एफर्ट्स फॉर अवर इन्वायरमेंट, इसके द्वारा हम अपने प्रयास का एक हिस्सा पर्यावरण को दे सकते हैं। कंक्लूजन कुछ इस प्रकार है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया द पीपल ऑफ इंडिया नीड टू बी हेल्दी एंड गुड हेल्थ विल ओनली हैपन वेन देयर इज क्लीनिनेस। भारत की प्रगति के लिए भारत के लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है। एंड अच्छा स्वास्थ्य कब आएगा, जब यहाँ पर स्वच्छता होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन सिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन सिटी, जैसा कि मैंने पहले बताया क्लीन सिटी होगी लेकिन अगर ग्रीन सिटी नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, पर्यावरण का जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो क्लीन सिटी का कॉन्सेप्ट ग्रीन सिटी के बिना अधूरा है। आवर इफर्ट्स शुड बी इन बोथ डायरेक्शंस, हमारे प्रयास दोनों दिशाओं में होने चाहिए। बाई डैट वे वी कैन मेक आवर सिटी मच मोर लिवेबल, इसके द्वारा हम अपने शहर को अधिक रहने योग्य, अच्छा रहने योग्य बना सकते हैं। दोस्तों ये रहा कंप्लीट ऐसे क्लीन सिटी पर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।